तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहनशाह की तरह नहीं काम करेंगे, जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शहनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। जो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है, बहुत मन की बात दो टर्म जनता ने आपकी सुनी, अब जन की बात सुनेंगे। सिंपल मेजोरिटी से पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आएगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है। और अब इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में अपने एलाइज को तो साथ लेकर चले ही, पर ऑपोजिशन के भी जो सवाल हैं, ऑपोजिशन के जो रोल है, जो भूमिका एकदम से खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की थी पहले दो टर्म्स में, जब मनाता था लोगों को सस्पेंड कर देते थे, अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स पास करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा और देश की उन्नति और प्रगति जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उम्मीद करती हूं कि इनके नेतृत्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्योंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहनशाह की तरह नहीं काम करेंगे, जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे ही उनके मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया था, बार बार ये कहते थे जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट अटैक को लेकर। फिर देश ने यह भी देखा किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, मीडिया हाउसेज, सबको ही घुटनों पे टेक दिया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे सत्ता के सामने। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने उनको सिंपल मेजोरिटी से भी दूर रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह जा जाकर डंका पीट रहे थे कि उनको 400 से ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी। तो जनता ने उनको हकीकत से अवगत किया है, जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात। आएगा तो हम उसको सोचेंगे। देखिए, जिस मंशा से इनविटेशन जाता है, जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, उस मंशा से इनविटेशन नहीं आया है और इनविटेशन आने में भी देरी हुई है। मैं मानती हूं कि ये सेरेमोनियल ओथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये सरकार चलेगी। और जब प्रधानमंत्री आज ओथ लेंगे, वो जनता के काम, जनता के विकास के लिए काम करेंगे और देश की प्रगति और उन्नति के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शहनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओथ टेकिंग से ज्यादा मैं मानती हूं उनका कार्यकाल रहेगा।